वेलकम बैक टू माय चैनल इजी शेक। आज हम भजिया बनाए हैं। यह प्याज की भजिया है जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसको हम एक खास ट्रिक से बनाएंगे जो बहुत ही क्रिस्पी तो बनेगा ही, यह खाने में बहुत टेस्टी भी बनेगा। आइए देखते हैं कि भजिया कैसे बनेगा। इस भजिया को बनाने के लिए हम प्याज की पहले कटिंग करेंगे। प्याज को हम छीलकर धो लिए हैं और इनको लंबे पतले टुकड़ों में काटेंगे। सभी प्याज को हम बहुत ही बारीक काटते हैं और हल्के हाथ से हल्का हल्का मसल कर प्याज के सभी लेयर को हम अलग अलग कर देंगे, जिससे भजिया हमारा क्रिस्पी बनेगा। प्याज जितना बारीक कटा रहता है उतना ही टेस्टी भजिया बनता है। और इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे, जितना प्याज है, और इसके बाइंडिंग के लिए इसमें हम जितना बेसन डालेंगे उस हिसाब से नमक हम अब इसी समय डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम अच्छे से मिलाएंगे, जिससे प्याज में सभी जगह नमक बराबर मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसमें बाइंडिंग के लिए हम बेसन डालेंगे। नमक डालने की वजह से प्याज में मॉइस्चर होगा और यह पानी छोड़ेगा और बेसन को अच्छे तरीके से बाइंड करे। इसके लिए हम बेसन डाल देंगे और बेसन को भी प्याज में हम चारों तरफ बराबर मिला देते हैं। अच्छे तरीके से हम बेसन को प्याज में मिक्स करेंगे, जिससे यह प्याज मॉइस्चर छोड़े तो बेसन में अच्छे से मिल जाए। और मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 बड़े चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी डालने से यह काफ़ी क्रिस्पी होता है। अगर आपके पास चावल का आटा है तो इसके जगह चावल का आटा डालें, नहीं तो आराम से सूजी हर घर में रहता है। आप छोटे चम्मच से 4 चम्मच या बड़े चम्मच से 2 चम्मच सूजी मिला दें, जिससे भजिया हमारा काफ़ी क्रिस्पी होता है और ठंडा होने के बाद भी यह कुरकुरा बना रहता है। सूजी को भी मिक्स कर देंगे और इनको 10 मिनट रख देते हैं। इधर हम मसालों की तैयारी करते हैं, जिससे भजिया हमारा बहुत ही चटपटा बनेगा। मसालों में हम सिर्फ लहसुन, मिर्चा और अदरक लेंगे। तीखा के लिए मिर्चा सभी लोग डालते हैं, लेकिन इसमें हम लहसुन और अदरक भी डालेंगे, जिससे यह काफ़ी टेस्टी और चटपटा बनेगा। इन सबको हम मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके डालेंगे। और इसमें टेस्ट के लिए हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट लाता है। और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से हम मिलाएंगे। भजिया को हम कुछ तीखा बना रहे हैं, इसीलिए इसमें मिर्चा का मात्रा ज़्यादा लिए हैं। अगर आप कम तीखा वाला भजिया खाना चाहें तो मिर्चा कम डालें। और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से हम अच्छे से इनको मिला लेते हैं, जिससे यह चारों तरफ बेसन, नमक और मिर्च हमारे मिल जाए। यह काफ़ी टाइट डो के तरह बन गया है। हमें इनको सॉफ्ट बनाना है, इसलिए इसमें हम 2 से 3 चम्मच और पानी डाल देंगे। और पानी के डालने के बाद इनको हम हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यह सॉफ्ट डो के तरह बन गया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच से 1/2 चम्मच सोडा डालेंगे, जिससे भजिया हमारा बहुत ही फूला फूला बनेगा। और कम बेसन में यह ज़्यादा बेसन वाला एक खिला खिला भजिया बनेगा। सोडा डालने के बाद इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चलिए हम बनाते हैं। एक पैन में हम ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छे से हाई फ्लेम पर हीट करेंगे। जब वह हाई फ्लेम पर हीट हो जाएगा तो फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और भजिया को फटाफट इसमें डाल देंगे। भजिया को हम गोल हाथों से दाब कर नहीं करेंगे, सिर्फ रफली अपने उंगलियों से उठाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। आप जितना छोटा या बड़ा भजिया बनाना चाहें उस हिसाब से डालें। अगर भजिया छोटा छोटा रहता है तो वह ज़्यादा ही क्रिस्पी बनता है और टेस्टी भी लगता है, इसीलिए हम छोटा छोटा ही बना रहे हैं। और इनको ऑयल में डालने के बाद अच्छे से तल लेंगे। जब यह एक तरफ से अच्छे से सेट हो जाते हैं तो इनको हम उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन करेंगे। और क्रिस्पी ब्राउन हो जाने पर इनको हम छन्नी में छान कर एक्सेस ऑयल को निकाल लेंगे, तब अपने प्लेट में निकालेंगे। इस तरीके से यह हमारा टेस्टी भजिया बनके तैयार हो गया है। बचे हुए भजिया को हम चलिए फिर से तल लेते हैं। भजिया को ऑयल में डालते समय हम फटाफट डालते हैं।
ऐसा ना हो कि कुछ पहले से डले हुए भजिया हमारे लाल हो जाएं और पीछे के भजिया हमारे कच्चे रहें। इसीलिए इवन कलर लाने के लिए फटाफट सभी भजिया को हम ऑयल में डाल देंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। तलने के लिए इनको हम बराबर उलट पलट कर चलाते रहते हैं, जिससे यह एक बराबर क्रिस्पी हो और एक बराबर सब में कलर आए। इसका ध्यान रखते हुए हम अपने भजिया को अच्छे से तल लेंगे। भजिया में अच्छे कलर आ गए हैं, ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी भी हो गए हैं। चलिए इनको हम छानकर निकाल लेते हैं। एक्सेस ऑयल को हम फिर से अच्छे से कढ़ाई के किनारों पर छानेंगे, तब इनको हम प्लेट में रखेंगे। इस तरीके से हमारा टेस्टी भजिया बनके तैयार हो गया है। यह इतना टेस्टी होता है और कुरकुरा होता है कि ठंडा हो जाने के बाद भी इसका कुरकुरापन बना रहता है। आप अपने मनपसंद चटनी के साथ इसको सर्व करें। हम खटाई की चटनी पीसे हैं, चलिए इसके साथ भजिया को खाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।